वेलकम टू टुडेज व्लॉग। और आज है 23rd of January। अभी टाइम हो रहा है 11:30। आप देख सकते हो हमारा ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी है। तो हमारे पास है 6 मल्टीग्रेन ब्रेड के स्लाइसेस एंड लगभग 250 ग्राम आलू जो कि जाएगा पार्टी मेकर में। तो जैसे कि आप सबने देखा, मेरा अभी मॉर्निंग का मूवमेंट / मार्शल आर्ट सेशन अभी खत्म हुआ है। जस्ट बेसिक ट्रेनिंग, अभी आई एम टेकिंग इट स्लो, नॉट नथिंग ऐसे मीडियम टू हाई इंटेंसिटी। मेरे जो हफ्ते के जो 4 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस रहते हैं वो तो होंगे ही, लेकिन मेरे हफ्ते के 2 मॉर्निंग मार्शल आर्ट सेशंस भी होंगे, जिसमें से एक होएगा टेक्निकल सेशन जिसमें इट विल बी मोस्टली फोकस्ड ऑन वेपन्स एंड कॉम्बोज एटसेट्रा, एंड सेकंड विल बी फोकस्ड ऑन शैडो बॉक्सिंग, जस्ट फ्लोइंग, इंक्रीजिंग राउंड्स एंड टाइम ओवर टाइम लाइक एज आई गेट मोर कंफर्टेबल। तो आज सुबह जो मेरा मॉर्निंग वेन था दैट वाज 92.2 kgs। वी आर एट वीक 2, दिस इज डे 8। मेरे हफ्ते के जैसे मैंने बोला 4 ट्रेनिंग सेशंस हैं, व्हिच इज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे विल बी ऑफ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे विल बी ऑफ। एंड ये सारे ट्रेनिंग सेशंस काफी इंटेंस होते हैं, सो आई हैव टू स्पेस देम आउट जो मार्शल आर्ट्स और मूवमेंट सेशंस हैं एज फार अवे फ्रॉम लेग डे एज पॉसिबल, जो कि कल होने वाला है। और उस दिन बांध बच जाती है, उसके अगले दिन भी मेरी लेग सोर होती है। सो गाइस आप देख सकते हो सारी आज हमें सीड वाली ब्रेड मिली है जो कि मेरी फेवरेट है। सर अभी जो मैं शावर के अंदर जाके जो कांप रहा था दैट वाज बेसिकली आइस कोल्ड वाटर। आप सोच रहे हो यार दिल्ली की सर्दी में, वो भी ऐसी कड़कड़ाती हुई सर्दी जिसमें रात को लो टेम्परेचर 3-4 डिग्री जा रहा है और दिन में इट्स व्हाट 13-14, तो अभी लगभग हो रहा है आई थिंक 12 डिग्री। एंड जब से मैं उधर नवंबर में अपने पीटी के कैंप में गया था जो शावर गुरुकुल का था, तो 2 दिन से मैं नहाया नहीं था तब। एंड मैंने बोला चल यार आज शाम हो रही है, धूप थोड़ी सी निकली है, नहा लेता हूँ। तो देखा लाइट गई हुई थी, गीजर नहीं था और मैं घुस चुका था अंदर। मैंने बोला कुछ नहीं होता, आँख बंद करके ठंडे पानी में घुस जाते हैं। तो जब मैं उस ठंडे पानी से निकला इतनी ज़्यादा हीट बिल्डअप हो गई थी बॉडी में, उसके बाद मेरे को सर्दी लगी नहीं आगे वाले टाइम तक। तो कुछ हफ्तों से मैं ठंडे पानी से ही शावर कर रहा हूँ। स्टार्ट में गर्म पानी से करता था, एंड ठंडे पानी से, बट अब पिछले 10-15 दिनों से मैं स्टार्ट ही ठंडे पानी से कर रहा हूँ। तो बेसिकली फॉर मी इट्स लाइक मेंटल ट्रेनिंग, पुशिंग मी टू डू थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू डू। जैसे कि दिन में मेरे को ऐसे कुछ टास्क करने होते हैं एंड आई एम जस्ट गेटिंग टू लेजी, या फिर मैं ऐसे जोन्ड आउट हूँ या फिर प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, सो आई जस्ट गो स्टैंड अंडर द आइस कोल्ड शावर एंड आई एम रेडी टू स्टार्ट माई डे। सो दैट इज समथिंग दैट आई लाइक टू डू, दैट आई हैव बीन डूइंग। आप लोग अगर ट्राई करोगे, यू डोंट हैव टू डू इट, डेफिनेटली नॉट, बट इफ यू डू इट ट्राई इट एट योर ओन रिस्क। बीमार वगैरह मत पड़ जाना, वैसी सर्दी का मौसम है। आई डोंट नो, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं, मैंने अभी तक देखा नहीं है। आई जस्ट डू इट ऑन माई ओन पर्सनल एनेक्डोटल एक्सपीरियंस। इट टाइम है हमारे सेकेंड मील का, जो कि काफ़ी लेट हो गया है। ये ऑलरेडी मैंने बना के आई थिंक जमना गया हो फ्रीजर में रख दिया था, बिकॉज अभी मैंने 10-15 मिनट पहले ही बनाया था शावर लेने से पहले। एंड मैंने बोला यार मेरे को ठंडा खाना है लेकिन ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच पीनट बटर, चलते हैं इसको रूम में लेके आराम से बैठ के खाएंगे वहाँ पे। अभी आलू पार्टी, ये भी, अंडे भी, दाल चावल, पता नहीं क्या क्या सब कुछ एक ही दिन में इतना सारा खाना हो रहा है। अभी इतना ज़्यादा भी नहीं है लेकिन अप्रॉक्स 3,031 कैलोरीज हो रही हैं, विच इज़ डिसेंट, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। इसके ऊपर बस मेरे को एक और चीज़ डालनी है जिससे बदल जाएगा एकदम टेस्ट इसका। वाइट चॉकलेट आती है ना, मिल्की बार लाऊंगा, वो उसके ऊपर थोड़ा नाइफ से ऐसे काट काट के डाल दूंगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। पीनट बटर का, चॉकलेट, सिनेमन और जो वे प्रोटीन मिक्स होता है और बनाना। इतनी देर से मैं ये रील एडिट कर रहा था जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे डल चुकी होगी बिफोर दिस वीडियो कम्स लाइव, बट देखो यार टाइमलाइन इसकी। सो बेसिकली मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूँ इवॉल्व विद सिड ऑन दी अल्फा कोच ऐप, इनवाइटिंग ऑल माई यूट्यूब पीपल एंड माई इवॉल्व फैमिली टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप एंड लर्न अ लॉट मोर देन वॉट यू डिड इन द इवॉल्व प्रोग्राम, बिकॉज इसमें आप लोगों को एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें हमारे इंटरक्टिव सेशन होंगे, लाइव Q&A होंगे आफ्टर एवरी सेशन। तो हम हफ्ते में 3 सेशन करेंगे, संडे, मंडे एंड ट्यूजडे को, बिकॉज आप सब पुल पुश लेग जो स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रहेगा, तो वील बी प्रेपिंग यू। तो इन 4 हफ्ते में हम उन सेशंस में ब्रेक डाउन करेंगे हाउ यू कैन परफॉर्म दोज एक्सरसाइजेस, जो भी जो टाइनी डिटेल्स रहती हैं द नेटिग्रिटीज ऑफ इट, एंड जो भी मैंने अपने 10 साल के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से जो मेरी फिटनेस की नॉलेज है उन सबसे जो मैंने सीखा है, मैं आप सबको फिल्टर आउट करके आसान भाषा में आप सबको समझाऊंगा, सो दैट यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू टू मेक गेन्स इन द जिम एंड फॉर ईयर्स टू कम। एंड सबसे बेस्ट चीज़ ये रहेगी, आप लोग अपने डाउट्स पुट फोर्थ कर सकते हो एंड आफ्टर एवरी सेशन वी कैन क्लियर देम, सो दैट आप जब भी अपने जिम सेशन में जाओ यू आर वेरी क्लियर, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। सो द प्राइस ऑफ द वर्कशॉप विल बी 1500, बट जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट इसमें से मिलने वाला है। इवन इफ आई लुक बैक, जब मेरे को 4-5 साल हो गए थे ट्रेनिंग करते हुए, आई यूज्ड टू थिंक कि मेरे को आता है, बट नाउ दैट आई लुक बैक आफ्टर अ डेकेड ऑफ ट्रेनिंग आई नो कि तब मेरे को बहुत ही सर्फेस पे चीजें पता थी। इरिस्पेक्टिव आपका कोई भी एक्सपीरियंस लेवल, आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस्ड हो, पीपल ऑफ ऑल एक्सपीरियंस लेवल्स कैन जॉइन दिस वर्कशॉप एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। सो इनवाइट यू ऑल टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस एक्सक्लूसिव वर्कशॉप। You can register yourself by clicking the first link in the description box below, and I'm hoping to see you all there. It's time to evolve together. मैं जिसमें वॉक करता हूँ यहाँ पे बॉल अटक गया बच्चों की।
हाँ इससे हो जाएगा शायद, बस इससे तो हो ही जाएगा। देखो मेरे को दे दो आप, मैं करता हूँ। हाँ हाँ मेरा उसमें लगा के निकाल दी बॉल। थैंक यू। पार्क है जहाँ पे मैं यूजली वॉक करता रहता हूँ, और ये साला पेड़ ऐसा ही है, यहाँ पे कभी हमारी शटल फंस जाती है, कभी फुटबॉल फंस जाती है। कील साहब कैसे हो? और भाई कैसे रहा फिर आज का दिन? आज का दिन बहुत बढ़िया था। तो मैं तेरे को एक चीज़ बताता हूँ, हाई कोर्ट में क्या हुआ। तो पहले मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे एक लड़का भागते हुआ आ रहा। मैंने कहा भागते रहा मेरे को देख के। क्या हो गया? मतलब मैं सोच रहा होता ना कि लोग आ रहे हैं तुम हट जाते हो। वो आ रहा था, फिर एकदम से आगे रुका, सीधा ब्रेक मारी उसने। फिर मेरे को बोलता कि भाई आप सिद्धांत सिकंद के दोस्त हो ना? भाई सही में भाई हाई कोर्ट में। मैंने कहा हाँ भाई सिद्धांत राय सिकंद। बोलता भाई अब सन्नी कौशल ना आपको चैनल है भाई, सिद्धांत भाई को बोल देना बॉडी बहुत तगड़ी है, करवा दो वीडियो कॉल करवा दो। मैंने कहा भाई वीडियो कॉल तो भाई कौवे भी ऊपर छोड़ के गए जो तूने बात बोली सारे झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट में क्या, फिर वो एक लड़का मिल गया, बोलता भाई आप सिद्धांत राय सिकंद के दोस्त ना उसके वीडियो में आए थे। मतलब भाई हर जगह सब्सक्राइबर फैला रखे। फिर लास्ट बार फिर मैं गया चाय पीने, वो चाय वाला भी जानता है। वकील फैमिली के लोग हैं, करवाओगे एंट्री हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में और बढ़िया तरीके से भाई लॉ कर नहीं रहा ताकि जेल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई ये जो एडवोकेसी लोग कर रहे होंगे, क्या पता कोई नोन में हो, उनको पता होता है भाई स्टार्टिंग में जो डेज होते हैं ना एडवोकेसी के, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। और मैं इवन तो हर प्रोफेशन के अंदर हाँ। होता है, बट एडवोकेसी के अंदर ना खतरनाक। भैया दो अंडे की ट्रे दे दो। भैया आपको क्या लगता है इसको देख के कितने अंडे खा लेगा ये? भाई बॉडी देखो, डोला वोला देखो पहले, पर देखो जॉन ब्रांच की बड़ी बॉडी है। बस भाई क्या लगता है कितने अंडे खा लेगा? कितने खा लेगा? 25 खा लेगा भाई? 25 नहीं, बॉडी बताओ 25 एक बार में। हाँ एक बार में खा लेगा आपके हिसाब से? नहीं खा पाएगा। खा रखे हैं भाई मैंने पहले। खिलाते हैं इसको, अगर पांच तो खाए जा सकते हैं। अगर यहाँ से एम्बुलेंस जा रही है थोड़ी देर बाद सिद्धांत जा रहा है। तो गाइस मिशन सक्सेसफुल आ गए हमारे, खेल रहे हैं फीफा। तो गाइज अभी हम तैयार हैं जिम जाने के लिए। इस शेकर में के अंदर हमने अपनी प्री वर्कआउट ड्रिंक बना लिया है, EAAs, हल्का सा प्री वर्कआउट क्रिएटिन एक्सेट्रा। एंड हमारे पोस्ट वर्कआउट शेक के लिए मैं डालूंगा बायोजाइम का ट्रिपल चॉकलेट वाला स्कूप। तो बायोजाइम के एक स्कूप में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 5.5 ग्राम BCAAs मिलते हैं। ये इंडिया का एक लौता प्रोटीन है जो इन्फॉर्म चॉइस UK से सर्टिफाइड है, तो आप इसकी वैल्यूज पे एकदम भरोसा रख सकते हो। इसमें मसल ब्लेज ने इंटरनेशनल पेटेंट अप्लाइड एनहांस एब्जॉर्प्शन फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रोटीन को ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पहले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। And do not forget to use my code SIDMB for extra discount. क्यों सनी भाई? हाँ भाई बढ़िया ना। हाँ ट्रिपल चॉकलेट फ्लेवर और फ्रेंच वनीला फ्लेवर, my top two recommendations. चलो सनी भाई बाय कर दो। डब्बा लेना गाइस। एक तो यार ये सोनी कैमरा की लो लाइट परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन है ना कि मेरे को सोचना ही नहीं पड़ता कि मैं 3200 ISO पे डालूं, 4000 में डालूं, 6400 पे डालूं, डालते रहो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑल्सो दिस वन थिंग दैट आई हैव कम टू रियलाइज इन दीज पास्ट फ्यू डेज। सो अभी कुछ टाइम पहले ही आई वाजंट फीलिंग टू वेल, लाइक लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्ड किया, एंड यूट्यूब को लेकर यू कैन से आई वाजंट फीलिंग वेरी पॉजिटिव बिकॉज अगस्त के टाइम से मेरी रीच काफी गिर गई है। जो मेरे एवरेज 20-25 के व्यूज जो आते थे ऑन एन एवरेज डे, अब मेरा बेस्ट होने के बाद भी मेरा 11 या 12 के रीच होता है एक दिन में मुश्किल से। सो दैट काइंड ऑफ स्टार्टेड अफेक्टिंग मे भी थोड़े टाइम पहले। उससे पहले आई वाज लाइक चल ठीक है कोई नहीं यार चल रहा है। ऑल्सो ड्रॉप द मेल यूट्यूब में कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग। मेरे सिर्फ 20 या 25 के सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन मिल जा रही है। माई मॉम जिन्होंने सारी वीडियोज़ के लिए ऑल कर रखा है, सनी जो सारी वीडियोज़ देखता है होम पेज पे भी उसके नहीं पुश हो रही है, उन लोगों को 4-5 दिन तक नहीं पता चला कि वीडियो अपलोड हो गई है। आई थिंक हो सकता है बहुत सारे आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि यार नई वीडियोज़ आ रही हैं। सो दिस वन ह्यूज हेल्प दैट आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज की प्लीज टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल एंड कॉमेंट करते रहना वट एवर द फीडबैक इज फॉर दीज वीडियोज़ फॉर द फ्यूचर वीडियोज सो आई कैन कंटिन्यू टू इम्प्रूव अपॉन एंड मेक बेटर कॉन्टेंट फॉर यू गाइज। एंड नाउ कमिंग बैक टू द थिंग दैट आई रियलाइज दैट मोमेंटम is very important. Small actions leads to building the momentum which leads to even bigger actions. जैसे आज का example ले लेते हैं। आज morning में मेरा training करने का इतना नहीं मन था, to be very honest. मैं उसको delay कर रहा था। Last week भी मेरे को जो 2-3 sessions करने थे मैंने नहीं किए। I just stressed and मैं बस stretch करके रुक जाता था। तो अगर मैं सोचूं कि मेरे को पहले दिन ही सारा workout करना है, पहले दिन ही सारी एकदम perfect training करनी है कि अगर 1 घंटे का है तो उसमें से पूरा हर चीज़ टिक मार्क करनी है, तो and if that is making me feel stressed or burdened, then maybe that is not the right approach because this is something that should improve your other areas of life. This is something that should make you feel happy and excited, and it shouldn't take away from your life and it shouldn't add to your life's burdens. Because already there are bahut sare external factors hote hain, hum nahi chahte ki something as positive as exercise or fitness contributes to stress. And also daily jo hamare chote chote actions hote hain, as simple as apna subah uthe aap apni rajai fold karke rakhi,
बॉडी दैट बेसिकली क्रिएट्स अ मोमेंटम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. आप छोटे छोटे ऐसे टास्क करते हो, आप ब्रश करते हो, आप आई मीन दीज आर ऑल वेरी स्मॉल लिटिल विल्स विच डोंट इवन मैटर विच आर नेसेसरी इन लाइफ. बट स्टिल इफ यू आर समवन हु doesn't feel like working, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप procrastinate कर रहे हो, start by doing very small things. What are the very menial tasks जो आप कर सकते हो? एक बड़ा task करने की जगह आप चार छोटे छोटे task करो, and over time that will lead you to becoming more disciplined. That is what I've come to realize. If you chase perfection from the first day onwards, आप ज़्यादा लंबे time तक नहीं continue कर पाओगे. मैंने अपनी videos में भी काफ़ी ये गलती करी थी. एक अच्छा piece of video बनाने के चक्कर में मैं सोचता रहा, वो idea कभी execute ही नहीं हुआ. ऐसे कुछ videos हैं जो मैंने बनाई नहीं है जस्ट बिकॉज मेरे को लग रहा था यार ऐसे नहीं निकल के आ पाएगी, वैसे नहीं निकल के आ पाएगी. तो नाउ आई जस्ट पिक अप द कैमरा, आई जस्ट डू इट, सिंपल एज दैट. नहीं आया कुछ नहीं होता, विल डू इट ऑन द नेक्स्ट वीडियो. आइडियाज की कमी नहीं है, कंटेंट की कमी नहीं, और बनाते रहेंगे यार वीडियोस, एक वीडियो पे नहीं अटकना अपने को. बट दैट बिल्ड्स अ फ्लो, लाइक वो कंसिस्टेंसी से इवन इफ यू आर बेसिकली डूइंग चलो 60-70% क्वालिटी भी कर लिया, तब भी दैट इज बिल्डिंग अ वेरी गुड कंसिस्टेंसी फ्लो फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स टू कम. लाइक ओवर टाइम जस्ट डूइंग रिपीटेडली द सेम टास्क ओवर एंड ओवर अगेन विल अल्टीमेटली लीड यू टू मेकिंग योर वीडियोज बेटर एंड परफेक्टिंग योर क्राफ्ट. स्पेशल थैंक्स टू Shivy फॉर एक्चुअली मेकिंग मी रियलाइजिंग इट. सो गाइस आज हमारा ट्रेनिंग है चेस्ट और शोल्डर्स. हमारी पहले एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस विद 45 डिग्री एंगल. तो अगर आप ये देख सकते हो ये मेरे वीकली लॉग है जो ट्रेनिंग का मैंने मेंटेन कर रखा है, हमने सारे ट्रेनिंग वर्कआउट्स का जो मेरा लास्ट वीक का था. इस वीक हमारा गोल यही रहेगा कि हम इसके ऊपर अपनी वर्क कैपेसिटी बिल्ड करें. लास्ट वीक आई डिड पहला सेट 36 kg से 10 रेप. विल सी अगर उससे थोड़ा ज्यादा ईजी रहता है. एक ट्रेनिंग लॉग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एक एडवांस या फिर एलीट ट्रेनिंग है उसमें. अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपको वैसे बोल नहीं है, यू डोंट नेसेसरली हैव टू डू इट, बट इट गोज़ अ लॉन्ग वे इन एन एथलीट्स जर्नी कि आपके पास सारे नंबर्स लिखे हुए हैं. अब आपको याद नहीं रहे कि आपने दो हफ्ते पहले, तीन हफ्ते पहले सेकंड एक्सरसाइज के थर्ड सेट में कौन सा वेट किया था, कितने रेप्स के लिए, और कितना आपका फेलियर वगैरह हिट हुआ था. सो ट्रैकिंग जैसे न्यूट्रिशन लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेनिंग लॉगिंग भी बहुत ज़रूरी होता है. ऑल्सो गाइज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप एडवाइस या फिर परस्पेक्टिव, जैसे आज मैं आ रहा हूँ ना, ये मैं प्रेप सेट्स हैं, मेरे वार्म सेट्स हैं सेकंड या थर्ड. आपको ऑलरेडी पता है कि पिरामिडिकली इंक्रीज करना होता है, मैंने बोल रखा है बहुत बार पिछली वीडियोज़ में, अपने वॉल प्रोग्राम में बात करी है. लेकिन आई थिंक उससे भी ज़्यादा हाउ यू फील वन यू आर डूइंग दोस प्रेप सेट्स, आपको वो वेट कैसा फील हो रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट वीक और एज कम्पेयर टू बिफोर. अगर आप इतने अवेयर हो, आपको पता है कि आज आप फ्रेश फील कर रहे हो या फिर आपको वेट आज लाइट फील हो रहा है, एंड दैट कैन हेल्प यू एक्चुअली प्रिडिक्ट एंड दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, कितनी ज़्यादा रिकवर्ड है आज के सेशन के लिए. तो आज आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव. आज 24-32 केजीज काफ़ी इजिली लिफ्ट हो रहा है, काफ़ी इजिली फील हो रहा है. लाइक जो पुशिंग मोशन है उधर कहीं लैग फील नहीं हो रहा. वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रेस्ट बेस को प्रायोरिटाइज करो, यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, यू ईट, यू स्लीप वेल, एंड यू डोंट डू एनी इंटेंस एक्टिविटी जिससे वो हो सकता है रेस्ट डेज का पर्पज खत्म हो जाए. अपने लास्ट वीक के नंबर्स में मेरे सिर्फ 14-6 आए थे, एंड दैट वाज व्हाट RPE 10. आई गॉट 14-8 एंड आई थिंक दैट विल बी RPE 8. वी जस्ट सेट अ न्यू PR इस वीक के लिए, एंड आई थिंक वी कैन स्लोली बिल्ड अप टू 44. तो गाइस जैसे मैं बोल रहा था, फील हो जाता है प्रेप सेट्स में ही कि आज आपका आगे वाला ट्रेनिंग या फिर आगे वाले जो मेन वर्किंग सेट्स हैं कैसे जाने वाले हैं. सो आई थिंक एवरी एथलीट शुड वर्क टूवर्ड्स डेवलपिंग दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस जहाँ पे आपको एम्प्टी बारबेल उठा के ही पता चल जाए कि आपका जो मेन स्क्वाट का सेट है मे बी 100 kgs, 120 kgs कैसे जाने वाला है. तो लास्ट वीक आई डिड 32 फॉर अबाउट 14 रेप्स, जो कि मेरा लास्ट का आई थिंक 12 से 15 रेप्स का जो सेट रहता है, दैट इज फेलियर तक. वन मोर टिप ऑफ डूइंग योर डंबल प्रेसेस, चाहे वो इंक्लाइन है चाहे वो फ्लैट है, जैसे आप डिसेंड करते हो, एक तो आपके इनिशिएशन बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आई थिंक अपने पुश वर्कआउट वाली वीडियो में बोला था. इससे भी ज़्यादा एज यू प्रेसिंग अप, एक तो कीप योर अपर बैक स्ट्रैक इन टू द बेंच, थिंक ऑफ पुशिंग योर बैक इन टू द बेंच एज यू प्रेस अप, एंड वेन यू आर प्रेसिंग अप अपनी एल्बोज को सोचो कि आपको इनवर्ड्स को प्रेस करना है, ऐसे ऐसे बाहर को नहीं, जस्ट ट्राई टू प्रेस देम इनवर्ड्स जितना हो सकता है. ये सारे जो छोटी छोटी चीजें हैं और जो सारे डिटेल्स हैं ये सब हम अपने इवॉल्व वर्कशॉप में बात करेंगे और भी ज्यादा लेंथ में. तो यार डू नॉट फॉरगेट टू साइन अप.
Let's go. फोर्टीन आया तो मजा आता है, लेकिन कोई नहीं, स्टिल अ बिग विन फॉर दिस वीक. यार तुम्हारा भाई अभी एम्बिशियस हो रहा है, तो पिछले दो हफ्ते से, पहला हफ्ता वाज द ट्रायल वीक, सेकंड जो मैंने एक्चुअली में स्टार्ट किया, तब से मैं 36 पे मार रहा हूँ 8 रेप, और 8 रेप मारने और सेकंड सेट में एम रेप मारना है 20% में ड्रॉप करके. तो मैंने बोला यार इंक्लाइन डंबल प्रेस में 40 से आ गए, और उसके बाद मतलब फिटिंग हो जाता है काफी, क्योंकि उसके बाद भी एक एम रेप सेट होता है. तो मैंने बोला यार छोड़ो, आज 40 ही मारेंगे फ्लैट डंबल प्रेस में 8 रेप के लिए. 6 के बाद मेरी बैंड बजने वाली है. Yeah! Come on! Let's go! No! आ जाता है यार 8 रेप. We'll come back next week. तो गाइज वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर पुश परफॉर्मेंस सेशन. ये सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है जो कि हमारे वर्कआउट की शोल्डर्स का सुपर सेट है. दिस इज द एक्सरसाइज दैट आई डिस्पाइज द मोस्ट, सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ इस सुपर सेट से मैं. आई वॉन्ट टू मेक प्रोग्रेस इसमें, बिकॉज मेरी सबसे ज्यादा फटती थी इसमें करते हुए. 15 रैप हमें मारने लैटरल रेजेस के, फिर उसके बाद फॉलोड बाय स्टैंडिंग डंबल ओवरहेड प्रेस, जो कि मेरे से 20 किलो से 6 या 7 स्ट्रगल होके लगते थे, और वो भी नहीं लगते थे, 4 लगते थे मुश्किल से आफ्टर डूइंग लैटरल, बिकॉज फूक जाते हैं डेड्स तब तक. जैसे हमारा हर एक्सरसाइज में वेट बढ़ा है, मैं काफ़ी खुश हूँ अपने आज के वर्कआउट से. तो आज उम्मीद है इसमें भी हमारी परफॉर्मेंस आगे बरकरार रहेगी. लास्ट वीक आई डिड 8 कंसेक्यूटिवली 2 सेट में. जैसे कि मैं बोलता हूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ये नहीं है कि आपने बस पहले सेट में किया तो आपकी अब स्ट्रेंथ सीमेंट हो गई. नो, अगर आप 3 सेट कर रहे हो 8-10 रेप्स, तो आपका हर सेट में, इफ़ यू आर डूइंग से 30 kgs × 10 रेप्स, तो अगर आपके लास्ट सेट में भी अगर आपका 13-7 आ रहा है, दैट मींस यू स्टिल नीड टू स्टिक टू दैट वेट, और मे बी स्टार्ट विद 1 इंक्रीमेंट हायर. तो आपने 2 सेट उससे करे, 1 लास्ट सेट आपने उससे कर लिया. डोंट जस्ट डू स्ट्रेट अवे 3 सेट एक उसके हायर वेट से. सीमेंट योर स्ट्रेंथ एज यू मूव फॉरवर्ड. आइडिया इज टू मेक श्योर यू टेक ऑल दैट स्ट्रेंथ विद यू एज यू मूव फॉरवर्ड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक लकी डेन आया, आपने लिफ्ट किया, एंड उसके बाद मे बी यू नॉट एबल टू लिफ्ट इट फॉर 2-3 वीक्स. एंड कंट्रोल द वेट एज यू लोअर, डोंट जस्ट यंक. जोर से पैर से पुश किया ग्राउंड को, आईटी बैंड पे क्रैम्प आ गया. हाँ, आई डोंट थिंक हम ओवरहेड प्रेस में वेट बढ़ाएंगे इस हफ्ता, आई मीन इस सेशन में, बट मे बी डेफिनेटली ऑन द लैटरल रेजेस. सो नेक्स्ट सेट एंड द थर्ड सेट विल ट्राई फॉर 14 kgs.
फुक जाता है यार इसमें डेड क्लास में, एक तो सांस भी फूल जाती है। सो ब्रीदिंग रेगुलेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इसमें, बिकॉज इवन इफ द मसल इज नॉट गिविंग आउट, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो नहीं लिफ्ट हो पाएगा। इस पर बिल्ड करना है यार मेरे को, दैट इज द गोल। पूरे वर्कआउट में किया बट आई थिंक द मेन हाईलाइट इज कि इस पर वर्क करना है, बिकॉज मेरी ओवरहेड प्रेसिंग काफी वीक है। आई थिंक दैट इज वॉट लाइफ इज ऑल अबाउट इन ट्रेनिंग, वर्किंग ऑन योर वीक लिंक्स एंड मेकिंग देम स्ट्रॉन्गर, और इसके बाद जाके मस्त अपना लंच नंबर 2 जो नहीं हो पाया। एनीवे दैट इज इट फॉर आवर ट्रेनिंग टुडे।